ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट इज बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 14B एंड दैट इज अ प्रिज्म. व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन प्रिज्म. कह रहे हैं वॉल्यूम निकालें आप किसका, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म दैट इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज द बेस एरिया एंड वेयर वी आर हैविंग द हाइट ऑफ द गिवन प्रिज्म. दैट इज अ बेस एरिया एग्जैक्टली. इसके पीछे वाली भी जो आपके पास शेप होगी एक इसी की जैसी होगी, आइडेंटिकल होगी. और प्रिज्म क्या है, वो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ सॉलिड इज हैविंग टू आइडेंटिकल फेसेस सो दैट टाइप ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड प्रिज्म. तो इसके बैक साइड वाला भी है ये. नाउ यू कैन सी कि ये जो आपके पास फ्रंट पे है ये कौन सा आपका, कौन सी फिगर है, कौन सी टू डायमेंशनल फिगर है. तो हम पहले इसके जो डायमेंशन है देख लेते हैं, इसकी साइड्स देख लेते हैं कितनी है. टू डायमेंशन तो ये है, 1, 2, 3, 4, 5. कितनी साइड्स हैं इसकी, 5 साइड्स हैं. तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ आपके पास, पेंटागॉन हो गया. और पेंटागॉन के लिए हमारी बुक में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हम डायरेक्टली अप्लाई करें. तो हम ऐसा करेंगे, उस पेंटागॉन को जो है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे. और जब आप देखें हमने 16 से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई ऐसे, तो ये रेक्टेंगल बन गया. ये वाला पार्ट हमने रेक्टेंगल समझ लिया. और ये जो आपके पास नेक्स्ट वाला पार्ट है जो ऊपर रह गया, इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर. व्हेन बोथ ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट विल बी द ट्रेपीजियम. इसको आप क्या कह सकते हैं, ट्रेपीजियम कह सकते हैं. और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं. रेक्टेंगल के लिए हम कहते हैं, रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम क्या कहते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, इसी तरह आप ट्रेपीजियम के लिए क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम के एरिया को आप कहते हैं 1/2 P1+P2 मल्टीप्लाई बाय हाइट. दैट इज़ फार्मूला फॉर बोथ ऑफ दीज फिगर. ये ट्रेपीजियम के लिए आपके पास, ये आपके पास रेक्टेंगल के लिए. आप क्या करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करें और दोनों को एडअप कर लें. तो आपके पास बेस एरिया का टोटल एरिया आ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं, इनकी डायमेंशन देख लेते हैं. ये होगा आपके पास फॉर बेस एरिया. अभी हम किसके लिए काम करने जा रहे हैं, ओनली फॉर बेस एरिया. बेस एरिया आपके पास होगा 1/2, फॉर ट्रेपीजियम की बात करेंगे 1/2 P1 P2 इंटू हाइट. ये हो गया आपके पास फॉर द ट्रेपीजियम. एंड फॉर आप क्या करेंगे, फॉर रेक्टेंगल करेंगे दैट वुड बी लेंथ इंटू ब्रेथ. ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ. नाउ वी हैव टू रेक्टिफाई और आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो आपके पास P1 है वो क्या है और जो P2 है वो क्या है और इसकी जो हाइट है वो आपके पास क्या है. फिर आपके पास आपने चेक करना है व्हाट इज़ L एंड व्हाट इज़ B और आपने इसको फिल आउट करना है. अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, हम रेक्टेंगल का देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर है सामने. ये देखिए रेक्टेंगल का ये आपके पास अगर ये लेंथ हुई तो ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई. तो लेंथ अगर 18 कह लें तो ब्रेथ को आप क्या कह लेंगे, 16 सेंटीमीटर. हाइट आप देखेंगे किसकी, ट्रेपीजियम की. तो ये टोटल आपके पास क्या है, 28 है. ये टोटल अगर आपके पास 28 है और ये 16 है, 28 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास, ये वाली लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर. टोटल 28 है और उसमें से आप 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर. अब आप P1 को देखें, अगर इसको आप P1 कह लें, इस वाली साइड को P1 कह लें और इस वाली को आप P2 कह लें. अगर ये ऊपर वाली P1 है और ये वाली P2 है तो P1 हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर और P2 आइडेंटिकल है ही दोनों. अगर 18 है तो ये भी क्या है, 18 है. तो इसको आप क्या कर लें, इसको भी 18 सब्स्टिट्यूट कर लें. अब कैलकुलेटर है आपके हाथ में, जल्दी से कैलकुलेशन कर लें, एडअप कर लें इसको. ये क्या हो जाएगा आपके पास, 7 + 18 डिवाइडेड बाई 2 कर लें पहले, फिर मल्टीप्लाई बाई 12 कर लें. ये बन गया आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर ये प्लस कर लें 18 को 16 से, 18 × 16 ये हो गया आपके पास 288 सेंटीमीटर स्क्वायर. एडअप कर लें दोनों को, ये हो जाएगा आपके पास ओनली बेस एरिया. ये सिर्फ बेस एरिया फाइंड हुआ अभी आपका, 438 सेंटीमीटर स्क्वायर.
नाउ द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो ये आपके पास बेस एरिया आ गया. अब इसी बेस एरिया को आप मल्टीप्लाई किस में करवा देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करवा दें. तो वॉल्यूम है आपके पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, वी हो गया आपके पास बेस एरिया 438 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट. और हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, हाइट ऑफ द प्रिज्म आपके पास क्या है, दैट इज 38. क्या है ये आपके पास 38 से करवा दीजिए इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपके पास 1664 सेंटीमीटर क्यूब. फाइनल वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू 16644 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर फॉर द गिवन प्रेस. आ जाएगा ये एस, तो देखिए आई थिंक ये पूरा विजिबल है ये, ठीक है. ये इसका आपके पास बी पार्ट का पूरा सॉल्यूशन हो गया. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट.